और अब पन्ना से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मकान के विवाद में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में बच्चे और महिलाएं भी जख्मी हुए हैं। 12 से ज्यादा लोगों ने एक पक्ष पर हमला किया। पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर लिया है। अमानगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, ये तस्वीरें आप देखिए, बुरी तरह से मारपीट की जा रही है। मकान के विवाद को लेकर ये पूरी बातचीत शुरू हुई, बातचीत विवाद में बदली और विवाद के बाद ये मारपीट की तस्वीरें सामने आ रही है। महिलाओं और बच्चों से भी मारपीट की गई है। तस्वीरें आप देखिए, 12 से ज्यादा लोगों पर एक पक्ष पर हमला, और ये तस्वीरें जिसमें महिलाएं भी बचाव करती हुई नजर आ रही हैं एक दूसरे का, लेकिन उसके बावजूद मारपीट करते हुए लोग साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आए हैं। आपसी विवाद, मकान का विवाद जो कि इतना बढ़ा कि मारपीट में तब्दील हुआ, सड़क पर परिवार की लड़ाई आ गई। पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर लिया है, क्योंकि तस्वीरें निश्चित तौर पर चिंताजनक, दिन दहाड़े एक पक्ष के लोगों पर हमला हो जाता है, मारपीट होती है पूरी तरह से, कई सारे लोग भी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन शायद इतनी गंभीर घटना कि किसी ने बचाना भी ठीक नहीं समझा, हो सकता था कि उसकी जान को भी खतरा होता। 12 से ज्यादा लोगों ने एक ही पक्ष पर हमला किया है, पुलिस ने दोनों ही पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई, असल वजह का पता लगाने की कोशिश लगातार कर रही है। अगर मकान से जुड़ा विवाद है, असल क्या वजह है, ये तफ्तीश में सामने आएगा। और अब जबलपुर से अगली बड़ी खबर, एनआईए ने दो लोगों से पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया है। मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद बिलाल को छोड़ा है। रात करीब 10:30 बजे से हिरासत में थे और ओमती थाना पुलिस में दोनों से ही पूछताछ चल रही थी। एनआईए ने दोनों भाइयों को सुबह 10 बजे छोड़ दिया है। सब्जी का ठेला लगाता है मोहम्मद शाहिद, और एनआईए की पूछताछ के बाद परिवार ने इस मामले में जानकारी देने से इनकार कर दिया है। परिवार भी हालांकि डरे हुए होंगे और आसपास रहवासी क्षेत्रों में भी डर का माहौल, क्योंकि एनआईए और एनटीएस की तरफ से लगातार कार्रवाई चल रही है। हालांकि देश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कोशिश में ये कार्रवाई, लेकिन निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में डर का माहौल। इस वजह से जिन दो लोगों को छोड़ा गया, उनके परिवार वाले भी बातचीत करने के लिए राजी नहीं है, इस मामले पर बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। कल रात 10:30 बजे हिरासत में लिया गया था दोनों को, पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद सुबह 10 बजे उन्हें छोड़ दिया गया। कोशिश की गई कि परिवारजनों से पूछताछ कर सके, लेकिन उनकी तरफ से जानकारी नहीं दी गई। इसे की पवन जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पवन, क्या कुछ अपडेट इस पूरी कार्रवाई को लेकर अभी तक? जी बिल्कुल, ये एनआईए की जो कार्रवाई हुई है उसके बाद में, अभी हालांकि एनआईए की टीम जबलपुर में है, लेकिन एक के बाद एक नई नई जानकारियां सामने आ रही है, और उसी के तहत ये भी सामने आया कि बिलाल और शाहिद नाम के दो लड़कों को भी एनआईए ने हिरासत के लिए, पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, जिन्हें रात भर पूछताछ के लिए कस्टडी में रखा गया और उसके बाद सुबह 10 बजे उन्हें छोड़ दिया गया। तो ये आशंका है कि शायद उनसे पूछताछ में कोई ऐसा इनपुट नहीं मिला जिससे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके, उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। शायद यही वजह है कि एनआईए ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन इसके एनआईए से छूटने के बाद में दोनों लड़के बेहद शांत हैं, बेहद चुप हैं। पूरा परिवार हालांकि दहशत में है और कोई भी इस विषय में बात करने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया कर्मियों ने उनसे कई बार रिक्वेस्ट की, कई बार जानने की कोशिश की कि किस तरह के सवाल किए गए, क्या पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी इस विषय में जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो माना जा सकता है कि एक बड़ा नेटवर्क जबलपुर में, ऐसा लग रहा है कि बड़ा नेटवर्क यहाँ पर सक्रिय है, और बांग्लादेश का जो JMB जमात उल मुजाहिद बांग्लादेश संगठन है, उससे टेरर फंडिंग के लिंक जुड़ते दिख रहे हैं। और बीते दिनों भोपाल एवं प्रदेश के दूसरे जिलों में जो कार्रवाई एनआईए ने की थी, उनमें जिन लोगों को पकड़ा गया था संदिग्धों को, उनसे इनपुट मिलने के बाद में ही जबलपुर में ये कार्रवाई की गई है। अभी तक यही सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। फिलहाल एनआईए की टीम जबलपुर में है ऐसा पता चला है, और जल्द ही और भी कुछ नई जानकारियां सामने आने की उम्मीद। पवन, कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है एनआईए की टीम ने, और ये भी बताया जा रहा है कि लगातार पूछताछ भी चल रही है। पहले ये भी संभावनाएं थी कि हिजबुत तहरीर से कनेक्शन हो सकता है, क्या अभी तक इस बारे में कोई पुष्टि सामने आई है? बिल्कुल, ये शुरू में यही आशंका जाहिर की गई थी कि HUT से इसका कनेक्शन है, और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। देर शाम जब एनआईए की टीम पहुंची तो तकरीबन 200 पुलिसकर्मी और एक दर्जन से ज्यादा IPS अधिकारी उस एनआईए की टीम में शामिल थे, जिसमें भोपाल से भी कुछ अधिकारियों को शामिल किया गया था। जबलपुर पहुंचने के तत्काल बाद देर शाम से ही घेराबंदी, ओमती सहित जो तमाम इलाके हैं, मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, वहां पर घेराबंदी शुरू कर दी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, वरिष्ठ वकील हैं A. उस्मानी, उनके घर पर जांच की गई, उसके साथ में बिलाल और शाहिद के घर पर जांच की गई, उन्हें दोनों को हिरासत में लिया गया। उसके अलावा एडवोकेट नईम खान, जो सिमी के वकील रह चुके हैं और शायद अभी भी उनकी पैरवी करते हैं सिमी के
जो संदिग्ध हैं उनकी पैरवी करते हैं, तो ये तमाम लोग हैं जिनके खिलाफ में कार्रवाई की गई, इन्हें हिरासत में लिया गया। चलिए पवन, देखने वाले बात ये है कि क्या कुछ कनेक्शन सामने आते हैं, कौन से बड़े खुलासे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल बुरहानपुर के पुष्पक बस स्टैंड के पास नगर निगम ने कार्रवाई की, जहां निगम ने पेट्रोल पंप की जगह अवैध रूप से बनाए गए दुकान पर बुलडोजर चला दिया है। कार्रवाई के दौरान माहौल गर्मा गया। बताया ये भी जा रहा है कि निगम ने अवैध दुकान निर्माण करवाने पर दो बार नोटिस भी भेजा था, लेकिन जब दुकान नहीं हटाई गई तो निगम ने बुलडोजर कार्रवाई की। तस्वीरें देखिए इस कार्रवाई की, बुरहानपुर का ये पूरा नजारा जिसमें ये तस्वीर साफ तौर पर सामने आई है कि किस तरह से अवैध कब्जों के खिलाफ निगम की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। नोटिस दिया गया, जवाब नहीं आया, ना ही दुकान हटाई गई, और इसीलिए फौरन एक्शन मोड में निगम की टीम और यहां पर बुलडोजर लेकर पहुंचे, इस अवैध कब्जे को हटा दिया गया। तस्वीरें इस बात को भी बयां करती है कि हंगामा भी वहां पर कम नहीं हुआ होगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे जो कि इस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे, लेकिन चूंकि अवैध कब्जा था फौरन निगम ने बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त किया। सारंगढ़ से अगली बड़ी खबर है, जहां 30 से ज्यादा महिलाएं ठगी का शिकार हुई हैं। महिलाओं के नाम पर मोटरसाइकिल फाइनेंस करवाई गई। ठगी में फाइनेंस कंपनी और शोरूम मालिक की मिली भगत पाई गई है। शोरूम मालिक और फाइनेंसियर पर अब तक केस दर्ज नहीं हुआ है, ये एक मुख्य पहलू इस पूरी घटना का। डीएसपी ने आरोपियों की संख्या बढ़ने की आशंका जाहिर की है। ऐसा हो सकता है कि अन्य लोगों के नाम भी इसमें सामने आए, क्योंकि 200 से ज्यादा गाड़ियों की जब्ती की भी बात अब सामने आ रही है। महासमुंद और रायगढ़ जिले में भी गाड़ियां बेची गई। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अभी तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और भी लोग हो सकते हैं जिनको इन्होंने ठगी का शिकार बनाया। फिलहाल 30 महिलाओं के नाम पर जो गाड़ी फाइनेंस करवाई गई थी, इस बारे में जानकारी सामने आई है। अब देखना होगा क्या ये संख्या आगे बढ़ती है, साथ ही साथ पुलिस की तरफ से अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं, इस पर भी एक बड़ा सवाल। ये बताया जा रहा है कि ठगी का शिकार हुई है महिलाएं, पूरे मामले का खुलासा भी है और लगातार अपडेट भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की तरफ से संज्ञान नहीं। फाइनेंस कंपनी और शोरूम मालिक के खिलाफ अभी तक केस दर्ज नहीं किया गया है। शोरूम मालिक और फाइनेंस कंपनी की मिली भगत, जिसकी वजह से कई लोग ठगी का शिकार हो गए। 30 महिलाओं की सूची अभी तक मिली है, कई और शिकार भी सामने आ सकते हैं। हो सकता है कुछ और लोगों को ठगी का शिकार बनाया हो। यह भी जानकारी है कि 200 से ज्यादा मोटरसाइकिल इसी तरह से बेची गई है। चूंकि केस दर्ज नहीं हुआ, इसलिए पुलिस की भूमिका पर भी सवाल कि आखिर कानूनी एक्शन क्यों नहीं हुआ इन पर। आरोपियों की संख्या बढ़ने की भी आशंका, और इसलिए मामला और ज्यादा गंभीर हो सकता है। सही की हरपाल ज्यादा जानकारी देंगे। हरपाल, क्या कार्रवाई अभी तक इस पूरे मामले को लेकर? जी अवंतिका, बताना चाहूंगा कि पूरा मामला जो है अभी तक पुलिस इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं की है, लेकिन जल्द ही गिरफ्तारी करने की बात कही जा रही है। जब हमने एसडीओपी से बात की तब उनका कहना है कि इस तरह की जो ठगी है ये केवल सारंगढ़ जिले में नहीं हुई है, सारंगढ़ के अलावा सारंगढ़, रायगढ़ और महासमुंद के जिलों में जो है इस तरह की गाड़ियां बेची गई है। पुलिस का कहना है कि जो फाइनेंस कंपनियां हैं, फाइनेंस कंपनियों के द्वारा महिलाओं के जो डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर के महिलाओं के बिना उपस्थिति के ही फाइनेंस कर दी गई और गाड़ियां रिलीज कर दी गई। जब गाड़ियों के जब उसके भुगतान करने के लिए जब फाइनेंस कंपनियां महिलाओं तक पहुंची तब महिलाओं को ठगी होने का एहसास हुआ, और वो जब बैंक के पास गई तो उनका भी कहना था कि आपके नाम से गाड़ी जो है निकाला गया है और गाड़ी लोन पर है, लोन चुकाना पड़ेगा। इसको लेकर जब महिलाएं पुलिस थाना गई तो पता चला कि उनके साथ जो है ठगी हो चुकी है और कोई अन्य व्यक्ति जो है उनके नाम से गाड़ी निकाल करके लोन में गाड़ी चला रहा है जिसकी भरपाई नहीं कर रहा है। अब इस तरह के मामले जब सामने आए तो पुलिस को जानकारी हुई और लगभग 35 से 40 महिलाएं जो है अब तक सामने आ चुकी हैं, और पुलिस का कहना है कि 200 से अधिक गाड़ियां जो है रिकवर हो सकती है और इसमें आरोपियों की संख्या जो है दर्जन भर से अधिक हो सकती है। जी अवंतिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हरपाल इस पूरी जानकारी के लिए।